हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जामिया में प्रोटेस्ट करते हुए छात्रों को तकरीबन एक महीना हो गया और इस वक्त उन लोगों के बीच पहुंचे हैं नजीब जंग, जो पहले यहाँ वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर तकरीबन एक महीना हो गया छात्रों को यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, आज आप उनके बीच पहुंचे हैं, क्या कहना है आपका? मैंने जो कहना था वो वहाँ कह दिया, और क्या कहना है सर? लगातार एक महीने से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जामिया छात्रों पर बर्बरता भी हुई है पुलिस द्वारा, जिसका छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं, इस बात के लिए भी लोग समर्थन कर रहे हैं छात्रों का, क्या कहना है उसका? नहीं, मुझे सख्त अफसोस है, जो घटना हुई वो होनी नहीं चाहिए थी और बातचीत होनी चाहिए ताकि हमारे छात्रों की बात सुनी जाए। सर लगातार यहाँ पे महिलाएं जो हैं रात दिन बैठी हुई हैं, शाहीन बाग में भी बैठी हैं, जामिया में भी जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं, उसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो यही कहा, मेरा विनम्र निवेदन है सबसे कि बातचीत कर लीजिए, ये एक महीना हो चुका है, पता नहीं और कितने दिन चलेगा। मुल्क में ये शरना अच्छी बात नहीं है, बदअमनी अच्छी बात नहीं है, जल्द से जल्द इसमें बातचीत होनी चाहिए ताकि सोल्यूशन निकल सके। सिर्फ ये एक समुदाय का एहतजाज माना जाए या इसमें सबका? ये तो एक समुदाय का ही नहीं, ये तो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में कितना सेकुलरिज्म कायम है, कि ये मुट्ठी बंद है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्यों लोगों को विश्वास नहीं हो पा? मुझे बहुत दुख है कि ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको भी दुख होना चाहिए, सबको दुख होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि एनआरसी नहीं लाएंगे। क्या वजह है कि लोग विश्वास नहीं कर पा? नहीं मालूम है, इसलिए उनको बात करनी चाहिए, आश्वासन देना पड़ेगा, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि लोगों को कॉन्फिडेंस बने, नहीं तो बहुत दुख है। हमसे बात करेंगे कि आपने सुना नजीब जंग ने किस तरीके से कहा कि लोगों को विश्वास जो है वो नहीं हो पा रहा है और उसको करने के लिए यहाँ पर सरकार को बात करनी चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो पाए। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली।